नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। ग्वालियर पुलिस ने स्मैक ले जाते हुए एक युवक को पकड़ लिया जिसके पास से 700 ग्राम स्मैक मिली है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने स्मैक जब्त कर आरोपी से पूछताछ कर रही है। दरअसल ग्वालियर क्राइम ब्रांच को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ग्वालियर स्टेशन के पास डीबी मॉल के सामने एक युवक पिट्ठू बैग लिए घूम रहा है। युवक के पिट्ठू बैग में स्मैक रखी हुई है, जिस पर ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक टीम गठित की और घेराबंदी कर युवकों को पकड़ लिया। जब पुलिस ने युवक की तलाशी ली तो युवक के पिट्ठू बैग में 700 ग्राम स्मैक रखी हुई थी। पुलिस ने युवक से जब पूछताछ की तो युवक ने अपना नाम गौरव राजपूत बताया, जो कि यूपी का रहने वाला है और स्मैक ग्वालियर में बेचने के लिए आया था। 700 ग्राम स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 70 लाख रुपये आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने स्मैक जब्त कर आरोपी से पूछताछ कर रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ संबंधी अभियान चलाया गया है। इस तारतम्य में श्रीमान एसपी महोदय क्राइम द्वारा हमें बताया गया कि अवैध मादक पदार्थों की जो खरीद फरोख हो रही है उसमें कार्रवाई करना है। इस संबंध में आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक डीडी मॉल के पास एक व्यक्ति यूपी से आया हुआ है और उसके बैग में स्मैक जैसी चीज़ रखे हुए हैं और यहाँ बिक्री करने वाला है। इस संबंध में हम लोग टीम लेके गए, टीम लगे घेराबंदी कर उस व्यक्ति को पकड़ा। उसकी बैग से पिट्ठू टांगे हुए था, उस बैग में 700 ग्राम स्मैक मिली जिसकी कीमत करीबन 70 लाख रुपए है। ये व्यक्ति यूपी मैनपुरी का रहने वाला है। इस संबंध हम पता कर रहे हैं कि इसके पहले कभी इसके अपराध रिकॉर्ड रहा है, इस संबंध में जानकारी ले रहे हैं और इस संबंध जानकारी ले रहे हैं कि ये यहाँ किस लिए आया था, किसको बेचने वाला था और इसकी ये भी पता लगा रहे हैं इसका स्रोत कहाँ से लेके आता था। ये इस संबंध में पता लगा रहे हैं। आई बी इंडिया न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आई बी इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें आई बी इंडिया न्यूज़।